सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल की वजह से फिल इन द ब्लैंक के वजह से विवादों में पड़ गए हैं। आइए जानते कैसे। हे दोस्तों, मृणाल लागू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज चैनल पर मैं नया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 2020 में जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रहा था ना, तब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने वैक्सीन खोजना, उसे डिस्कवर करना एंड उसके उत्पादक के लिए 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का रेट का ऐलान किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 600 रुपीज़ एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए 400 रुपीज़ सप्लाई कराई जाएगी कोविशील्ड वैक्सीन। इस वजह से सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला विवाद में पड़ गए हैं। बट सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन की न्यू कीमत ग्लोबल रेट के मुकाबले 33-50% कम है। सीरम इंस्टीट्यूट इस महामारी का फायदा नहीं उठाएगा। हमें हर डोज पर, मतलब कोविशील्ड वैक्सीन के हर डोज पर 150 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये कमेंट था आधार पूनावाला का। एंड इनका और एक न्यू कमेंट आया कि इन्हें भारत के जो राजनेता है कुछ, उनसे धमकियाँ मिल रही है। ये भी इनका एक कमेंट था। क्या आपको पता है, ब्लूमबर्ग बिजनेस के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी में से एक है सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट हर साल रेबीज, हेपेटाइटिस, पोलियो एंड टिटनस के टीके बनाती है, वो भी 1.5 अरब टीके बनाती है हर साल सीरम इंस्टीट्यूट। इसलिए आधार के पिता साइरस पूनावाला को वैक्सीन किंग भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया है, आपको ये न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज चैनल पे मैं नया हूँ, आई नीड सपोर्ट। कर देना सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया है तो। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।